रविवार 23 जून को एक बार फिर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋकेश सेन नेहरू नगर गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने इस रविवार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की मांग पर गुरुद्वारा में संचालित होने वाले चैरिटेबल अस्पताल को डेंटल चेयर उपहार में दिया। वैशाली नगर विधानसभा के विधायक ऋकेश सेन इन दिनों विधायकी के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाने में लगे हुए हैं। बीते दिनों नेहरू नगर गुरुद्वारा जब विधायक महोदय माथा टेकने पहुंचे, तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने उनसे शव रखने वाले फ्रीजर को लाने ले जाने में दिक्कत होने की बातें बताई। तब उन्होंने बीते इतवार अपने मानदेय की राशि से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को एक ई रिक्शा उपलब्ध करवाया, जिससे शव फ्रीजर लाने ले जाने में दिक्कत ना हो सके। और इसी दिन गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने अपने गुरुद्वारे में चलाए जा रहे चैरिटेबल अस्पताल के लिए एक डेंटल चेयर की मांग की थी, जिसे पूरा करते हुए 23 जून दूसरे इतवार को गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को डेंटल चेयर देते हुए इसका विधिवत उद्घाटन किया और स्वयं भी इसी कुर्सी में बैठकर जायजा लिया ये पूरी तरह सही है या नहीं। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। विधायक ऋकेश सेन ने बताया कि जब गुरुद्वारा प्रबंधन ने उनसे ये मांग की थी, तो उन्हें साक्षात ये मांग गुरु का आदेश जैसा लगा, जिसे उन्होंने तत्काल पूरा कर दिया। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रधान एवं गुरुद्वारा के विधायक प्रतिनिधि ने विधायक ऋकेश सेन का हृदय से आभार जताया। पिछले बार मैंने अपना मानदेय जो है पिछले रविवार को जो मेरा पहला वेतन है वो मैंने गुरुद्वारे को दी थी, उससे ई रिक्शा खरीदा गया बॉडी फ्रीजर लाने ले जाने के लिए। और जब मैं आया था पिछले बार जो है, तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने एक डिमांड की थी कि डेंटल क्लिनिक तो है, लेकिन जो चेयर है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, अगर नया चेयर आ जाता तो अच्छा होता आज के हिसाब से। तो मैंने तत्काल जो है ये तय किया कि अगले संडे यानी आज एक डेंटल चेयर जो है मैं अपने तरफ से प्रबंधन समिति को दूंगा। 2 लाख रुपए की लागत से ये डेंटल चेयर है, आप देख रहे हैं नया, जो बाबूजी लेटे हुए हैं अपने दांत को ठीक करवाने के लिए, इसका पूरा ये सेटअप आप देख रहे हैं। इसके साथ एक स्टूल भी है, चेयर भी है, एक इसके साथ एक चेयर भी है जिसमें डॉक्टर बैठ के जो है इलाज करते हैं। ऐसा ये पूरा सेटअप है और ये मानव सेवा के लिए काम आएगा, क्योंकि सिख समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। कोविड जैसे विपरीत परिस्थिति में भी पूरे विश्व में अगर कोई सबसे पहले हाथ आगे बढ़ा के जिसने काम किया वो सिख समाज है। और ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में 7 गुरुद्वारे हैं और जो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, वो सभी के का विकास करना भी मेरा दायित्व तो है। जैसा आदेश होगा प्रबंधन समिति का, मैं उसे गुरु का आशीर्वाद समझ के उस काम में मैं आगे बढ़ूँगा। हम विधायक जी का बहुत शुक्राना करते हैं, उन्होंने जिस हिसाब से पिछले ही हफ्ते हमें एक ई रिक्शा दिया। बॉडी फ्रीजर के लिए थोड़ी तकलीफ आती थी क्योंकि लोग आते थे उस टाइम, साधन नहीं मिल पाता था ले जाने के लिए। और आज उन्होंने वो जब उस दरमियान उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया तो उन्होंने हमने उन्हें बताया कि हमें थोड़ा सा डेंटल क्लिनिक में एक प्रॉब्लम आ रही है चेयर की, तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही वो हमें अवेलेबल कराई और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जिस प्रकार उन्होंने मानवता की सेवा की। और आगे भी उन्होंने हमें यही वादा किया है कि जब भी जरूरत पड़े मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, हाजिर रहूँगा आपकी सेवा। देखो, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सिख समाज की तरफ से कि उन्होंने जो है ईश्वर की तरफ से 2 जातियाँ बनाई गई हैं, पुरुष और स्त्री, और धर्म सिर्फ एक ही बनाया गया मानव धर्म। उन्होंने मानव धर्म को बिल्कुल अपने प्रायोरिटी में रखा और उन्होंने सिख समाज को इतना महत्व दिया और अपने मानदेय से उन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा नेहरू नगर में एक डेंटल चेयर दी और पहले ई रिक्शा दिया, तो पूरे समाज की सेवा, मानवता की सेवा के लिए उन्होंने प्रदान किया है। इसके लिए हम पूरा सिख समुदाय और पूरे हमारे 7 गुरुद्वारे प्रबंधन कमेटियाँ उनका बहुत आभार व्यक्त करती हैं। वैशाली नगर विधायक ऋकेश सेन आगे भी सभी धर्म एवं समुदाय के लिए इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर सेवा का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने ऐसी इच्छा भी जताई है जिससे उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी धर्म एवं समुदाय का सर्वांगीण विकास हो सके। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।